अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर, आई एम अ स्टूडेंट और मेरा क्वेश्चन ये है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, अगर ये पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस है, और मतलब इसमें बच्चों का क्या किरदार बनता है कि वो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को, और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारा क्या हुक्म बनता है कि हम इस पर कैसे अमल करें और कैसे हम इस्लाम से रिलेटेड जो भी है उस पर अमल कर सके। इनका सवाल है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा है, और कल भी कई ख्वातीन ने कहा, तो बच्चों का क्या इसमें रोल है, क्या किरदार है, हमें क्या करना चाहिए? डोमेस्टिक वायलेंस का मानी है कि आप चाहे अपने फैमिली में आप वायलेंस कर रहे, मतलब मारा मारी कर रहे, या आप पीट रहे, चाहे मार्क छोड़ रहे, चाहे स्टिचेस आ रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस इस्लाम में हराम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन अपने बच्चों को कोई थप्पड़ मारा तो डोमेस्टिक वायलेंस में बोलेंगे, यूएसए में बोलेंगे आई विल कॉल द पुलिस, तो यूएसए में यानी अगर बच्चों को अपने थप्पड़ मारा डोमेस्टिक वायलेंस में बोलते हो, तो लेकिन आप पीटेंगे उसको, आप बेस से पीटेंगे, काला ब्लू ब्लू ब्लैक कर लेंगे, तो ये हराम है। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है जो खातून ने पूछी थी पहले कि कैन वी बीट, तो जरा बाकी मानी मैंने कहा था मीनिंग बीट लाइटली, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप फेस पे नहीं मार सकते, आप मारेंगे तो कभी उस पर मार्क नहीं छोड़ सकते, ये दरबा की मानी है लाइक विथ अ मिसवाक। तो डोमेस्टिक वायलेंस वेयर देयर इज टॉर्चर इज टोटली हराम। बच्चों का क्या रोल है? पहला रोल ये कि आपके पास काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। और लोग तो गलत फहमी है कि आजकल के माशरे में तीन किस्म की सोसाइटी है। एक कहते पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल मींस मर्द ऊंचा, बस पेट्रियार्की। एक होती है मेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब औरत ही ऊंची। और एक कहते फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा, ये गलत फहमी है। इस्लाम में मेन एंड वुमेन आर ओवरऑल इक्वल, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन इक्वल है। तो ये वर्ड फेमिनिज्म है उसके मानी है मेन एंड वुमेन इक्वल, मिसनोमा है। अगर कोई कहेंगे इस्लाम में फेमिनिस्ट तो लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहा है, पर इंग्लिश वाइज सही है, पर टेक्निकली फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा। मतलब जैसा हिंदुइज्म में मिसनोमा है, बराबर ना, हिंदुइज्म मींस अ पर्सन हु लिव्स इन द वैली ऑफ इंडस वैली, तो डेफिनेशन वाइज मैं भी हिंदू लेकिन मैं बुतपरस्ती नहीं करता हूं, मैं वेदा में नहीं मानता हूं, आप समझे ना। तो उसी तरीके से फेमिनिज्म इज अ इंग्लिश वर्ड जिसके मानी है अ पर्सन हु थिंक्स मेन एंड वुमेन आर इक्वल, वो आदमी वो औरत जो सोचती है मर्द और औरत बराबर है, यकसा नहीं है बराबर, नाम में बराबर ही है, औरत और मर्द के हुकूक है, कुछ वक्त मर्द ऊंचे है कुछ वक्त औरत ऊंची है, ओवरऑल बहुत इक्वल। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि माशरे में काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब वो लोग जो फैमिली के मैटर्स में डील कर सके और काउंसिल कर सके। प्रॉब्लम है आज की तारीख में आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंसलिंग लेंगे तो पूरे जो ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के आधे तो हराम है। आप बोलेंगे जो हरे दिन के बारे में पढ़ा और माशरा साइकोलॉजी नहीं जानता है तो भी प्रॉब्लम है, तो डायकोटमी है, प्रॉब्लम है। हमें ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो दीन को भी जानता है और साइकोलॉजी भी जानता है, मेडिकल साइंस भी जानता है। ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे। आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको। अगर यहां करेंगे जैसे कि बोला ना उसको तकवा तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है, आप अपाहिज है क्योंकि तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए। और मुझे पता है कि चंद साल तकरीबन 10 साल पहले जामिया बिनोरी, पता है मुझे, मुझे जाने का था 2 दिन पहले तो रोग ने रोक लिया, इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा। जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहां मीडिया तालीम दिन की भी होती दुनिया की भी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह दिन की भी तालीम दुनिया की भी तालीम, लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नजरिए से देखे, मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे, ये तो इंसान ने तो अपना मुसलमान बंदर से बने, कुरान में लिखे आदम अलैहिस्सलाम पहले से इख्तलाफ है,
तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है, तो ये एक स्पेशलिटी है। अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है। अंग्रेज अच्छे काम भी होते, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे। तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकाइट्रिस्ट, आपको बताएंगे डॉक्टर थे लेकिन साइकाइट्रिस्ट, वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकाइट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकाइट्रिस्ट के प्रेसिडेंट। साइकाइट्रिस्ट मतलब यहां तो बोले साइकाइट्रिस्ट पागल पागल है, पागल है। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में तो आपके नाम पे तो पागल बन के लग जाएंगे। अमेरिका में तो साइकाइट्रिस्ट की तो तनखा ही तनखा मिलती थी, उनकी तो इतनी चांदी है। इसको आराम करने का साइकेट्रिस्ट के जाओ, आधा घंटा बकवास करो, ये बिल दे दो $5,000। तो साइकेट्रिस्ट की बहुत तनखा होती है, इनकम इनकम आमदनी बहुत होती है। इंडिया पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट के पागल पागल हो गया तो लोग बोल के भी डरते हैं। गलत है, साइकेट्री इज अ स्पेशलाइज फील्ड। तो मेरे वाले तकलीफ भी करते इस्लाम एंड साइकोलॉजी, अल्लाह ने जन्नत फरमाया। नहीं बोला तो ऐसे प्रॉब्लम में यू शुड अ स्पेशलिस्ट। और यूएसए में मेरे कई कलीग है, पिता यासिर फसाका, शेख यासिर फसाका पीएचडी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। शेख यासिर फसाका ही स्पेशलाइज ही स्टडी काउंसलिंग, ऑल्सो दीन, दीनी आलिम भी है और सर्टिफाइड काउंसलर है। तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे। तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में विच ऑफ काउंसलिंग, लेडीज लेडीज के पास, जेंट जेंट के पास, कभी साथ में मिलने पड़ता तो मेहरम जरूरी है। तो मेरी अहलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग। तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है क्या करना चाहिए, और अगर आप सही देंगे मिसाल के तौर पर, एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाल्लाह बहुत लोग है। एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएगी, हदीस में लिखा है शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएगी, हदीस है हदीस है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएगी नहीं। मेरा फोन गलत, मेरी बीवी गलत, मेरा सुनो, जन्नत तेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए चार चीज चाहिए, ईमान वल असर, पूरी तस्वीर नहीं दूंगा वक्त जाएगा, ईमान चाहिए, अमल सालेहा चाहिए, वतवासव बिल हक वतवासव बिस सब्र, बराबर। अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएगी तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना, तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में तू भी जन्नत में, समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी बीवी मुझे परेशान करती जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे अगर वो शोहर को नाराज करे, बराबर, तू नाराज क्यों होता है? तू अगर नाराज नहीं होगा तेरी बीवी भी जन्नत में तू भी जन्नत में, उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए। छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी। तो इस तरीके से बोलना तो बीवी मेरे बाद में बोलती है कुछ दूसरे की, तू अभी माशाल्लाह झगड़े बंद हो गए, तो वन ट्रैक माइंड, मेरी बीवी गलत मैं सही, मुझे नाराज की जन्म में जाएगी। अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है बीवी के साथ, आधी आधी हदीस कोट करते, अपने फायदे की हदीस कोट करते। यही तो प्रॉब्लम है माशरे में, आप तकरीर में उलमा को सिर्फ सुनेंगे वन साइडेड हदीस, कितना अच्छे से हल हो गया प्रॉब्लम में। यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम में, तुम नाराज हो ना, आराम से बैठो, मैं कुलवल्लाह पढ़ो, पूरे फातिहा पढ़ो, नाराजी चले गए, शैतान तुम में, तुम बीवी की बात करते शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है मैं बस काउंसलर नहीं है, मैं बहुत कम करता था बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उलमा है, और है पाकिस्तान में क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस के बजाय दूसरे हदीस कोट करे,
और समझाए तो मेरे नजदीक ये जो आपके प्रॉब्लम में पिडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है। अगर आपके पास सही उल्मा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है, दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है। यहां तो लोग समझते मेरा हक है भाई बीवी को मारना, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 कव्वामुन अला निसा, मैं कव्वामु खलास, और जाके बाहर आके बोलेंगे बोले माशाल्लाह सही, क्या मर्द का बच्चा है, औरत पे हाथ उठा था मर्द का कहीं का बच्चा है भाई, औरत पे हाथ उठा था मर्द का बच्चा, कौन मर्द का बच्चा औरत पे हाथ उठा। तो ये अगर आप जहन खोलेंगे, इस पे लेक्चर होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए। अगर पता चले किया तो उसको मैं बाहर में लेके आकर सजा दो उसको ना, यहां लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में, अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, है लॉ ना, माशाल्लाह लॉ तो है लेकिन इंप्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई। बेंजी इनको कॉन्टेक्ट करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।